महामाया के दरबार में जिला कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष विजय केसरवानी बिलासपुर जिले के सभी ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों के साथ आज दोपहर महामाया मंदिर के स्वीट भवन में बैठक लिए। इस दौरान कांग्रेस नेता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशों को लेकर जरूरी रणनीति भी तैयार किए, साथ ही आगामी दिनों में होने वाली प्रदेश स्तरीय आंदोलन को लेकर चर्चा भी की गई। आपको बता दें कि जिला कांग्रेस अध्यक्ष ग्रामीण विजय केसरवानी ने बताया कि जिले के सभी ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक महामाया के दरबार में आज ली गई। बैठक में कांग्रेस क्षेत्र के सभी शहरी और ग्रामीण ब्लॉक के अध्यक्ष उपस्थित थे। बैठक के पहले सभी ब्लॉक अध्यक्ष और कांग्रेस नेता महामाया माँ की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण बैठक नहीं हो पाई थी। इस बैठक में भूपेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और केंद्र सरकार ने जो पेट्रोल डीजल सहित खाद्य सामग्रियों के दाम बढ़ाए हैं उसके विरोध के लिए रणनीति बनाने के साथ ही पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए बूथ के गठन के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया था। किस समय बैठक रखी गई थी कांग्रेस कमेटी की? जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण की बैठक कोरोना के बाद महामाया मंदिर के दर्शन के पश्चात महामंदिर प्रांगण में हम लोगों ने रखा है। सबसे पहले जो हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन करने के लिए संगठन को सक्रिय करके और अंतिम छोत्र तक सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। दूसरी चीज़, जो केंद्र की सरकार ने इतनी महंगाई डीजल पेट्रोल से लेकर खाद्य वस्तुओं की जो वृद्धि की है उसकी आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए और साथ साथ बूथ लेवल पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मजबूती के लिए बूथ कमेटी का गठन करने के लिए आज ये बैठक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की बुलाई गई है। दूसरी बैठक जिला कार्यकारिणी की शीघ्र ही की जाएगी। रतनपुर से रवि ठाकुर की रिपोर्ट।